रिपब्लिक डे आ रहा है तो आज मैं उसी के स्पेशल ओकेशन के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। ये एकदम इंस्टेंट बन जाती है और 3 से 4 मिनट में ही बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिल्क पाउडर बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1/4 कप घी। तो घी को पैन में डाल देते हैं। घी मेल्ट हो जाए फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क। मिल्क आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो घी और मिल्क को एक बार मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा मिल्क को गर्म करेंगे। मिल्क अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी लम्स ना बने इस बात का ध्यान रखें। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे। तो सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है और 2 से 3 मिनट में ही मिक्सचर एकदम कुक हो जाएगा। तो अब ये पैन को छोड़ रहा है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है, तो ये रेडी है मिक्सचर। तो इसके हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आप चाहे तो इसे प्लेन वाइट भी बना सकते हैं पर मैं रिपब्लिक डे के लिए बना रही हूँ। इसके लिए एक में हम डालेंगे ऑरेंज कलर का फूड कलर और दूसरे में डालेंगे ग्रीन कलर। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाउडर कलर यूज़ किए हैं, आप चाहे तो लिक्विड कलर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंटेनर में सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन कलर का लेयर। तो इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे वाइट कलर का लेयर। आप इस मिक्सचर में वेनिला एसेंस या फिर इलायची पाउडर की फ्लेवर भी दे सकते हैं। अब ऊपर रख देते हैं ऑरेंज कलर का लेयर, इसे भी अच्छे से हमें सेट कर देना है। तो तीनों लेयर सेट हो चुके हैं। इसे ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर ताकि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। बर्फ़ी ठंडी हो जाए फिर इसके बाद इसे अनमोल कर लेते हैं। अब हमें इसे कट करना है तो पहले हम साइड से इसकी बॉर्डर को हटा देते हैं ताकि हमें एकदम फाइन स्क्वायर मिले। बिल्कुल बढ़िया लेयर बने हैं ऑरेंज वाइट और ग्रीन। तो अब मैं इसके स्क्वायर पीसेस कर रही हूँ, आप चाहे तो अपनी मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। इसमें आप चॉकलेट फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो मिल्क पाउडर के मिक्सचर में कोको पाउडर और चॉकलेट एसेंस मिलाकर चॉकलेट बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 3 कलर की बर्फ़ी रेडी हो चुके हैं, एकदम इंस्टेंट मिल्क पाउडर से बनाई है। तो आप भी इस रिपब्लिक डे पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इसी किसी भी ओकेशन में बना सकते हैं। आप इसमें जो चाहे वो कलर भी ऐड करके बना सकते हैं।